कृष्ण ने दुष्टों को भी अपनी गलती सुधारने का मौका दिया क्योंकि वो किसी मनुष्य को नहीं उसके अंदर के बुराई को मारना चाहते थे संदेह की स्याही से संबंध के पृष्ठ पर कभी शुभ अंकित नहीं होता इसलिए अपने मन के विचार और संबंधों का आधार दोनों ही शुभ रखें मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है क्योंकि इसे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी इस भौतिक संसार का यह नियम है जो वस्तु उत्पन्न होती है कुछ काल तक रहती है अंत में लुप्त हो जाती है चाहे वे शरीर हो या फल हो यदि कोई व्यक्ति प्रेम से भक्ति से पुष्प फल जल भी मुझ पर चढ़ा दे तो उसी भाव से उसे स्वीकार करता हूँ उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है ना कभी था ना कभी होगा जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो जीवन में सुख ही सुख है अपने परम भक्तों, निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो श्री कृष्ण ने कहा है अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं अंतकाल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हुए देह त्याग करता है वह मेरी शरण में आता है इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अंतकाल में मेरा चिंतन करें यह सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं कृष्ण कहते हैं इस जगत में मनुष्य भौतिक वस्तुओं का भोग कर सकता है अगर वे चाहे तो सब कुछ छीन सकते हैं मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते हैं और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते